भरतपुर में सर्राफा व्यापारी से रंगदारी मामले में आक्रोशित व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। पीड़ित व्यापारी राजकुमार गोयल तिलकधारी ने बताया कि मंगलवार को एक फोन आया था जिस पर फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को अरुण फौजी गैंग का सदस्य बताया और 10 लाख रुपये 2 घंटे में देने की बात कही। साथ ही धमकी भी दी कि रकम नहीं देने पर गोली मार दी जाएगी, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। इस मौके पर राकेश सर्राफ, राजकुमार तिलकधारी, भगवान दास, अखिलेश, अनिल, योगेश हेमेंद्र और कई पंकज गर्ग सहित काफी व्यापारी मौजूद रहे, तो पीड़ित व्यापारी को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई। लोग एसपी साहब से इसलिए मिले हैं कि मेरे संग कल 11:30 करीब फोन आया था कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए। उसने बताया था अरुण गैंग खोजी गैंग से बोल रहा हूँ और जो है सेवर जेल से बोल रहा हूँ। तो मैंने कि भैया 10 लाख रुपए किस बात के चाहिए, मैं तो गोरन जा रहा हूँ, बोले आपकी दुकान खुल रही है, वो दुकान से पैसे दिलवा दो। भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, बोले अगर पैसे नहीं है तो हम जो है गोली मार देंगे आपको। नहीं गोली मार दो भैया आपके लिए। फिर हम इसी उसमें हमारे सभी सराफा भाइयों को संग लेके एसपी साहब से गुजारिश की है, कल रिपोर्ट लिखवाई थी हमने।